हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से आरओ और एआरओ की जो भर्ती है वो 2023 में आई थी और फरवरी में जाकर इसका जो एग्ज़ाम है वो संपन्न हो गया था, लेकिन उसके बाद इस भर्ती में पेपर लीक के जो आरोप है वो लगे और फिर आपका जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम था उसको रद्द कर दिया गया और फिर से इसका जो एग्ज़ाम है वो कराने का जो निर्णय है वो लिया गया। तो इस एग्ज़ाम का जो डेट अनाउंस हुआ वो 22 दिसंबर है और इसी बीच जो सरकार है उसने एक जो निर्णय है वो लिया था, आदेश पारित किया था कि आगे से जो भी एग्ज़ाम कराए जाएंगे किसी भी भर्ती बोर्ड द्वारा, तो अगर उसमें विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा तो फिर मल्टीपल शिफ्ट में आपके जो एग्ज़ाम है वो कराए जाएंगे, लेकिन इसमें पीसीएस एग्ज़ाम को छूट दी गई थी। तो जो ये आरओ और एआरओ का आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो अब इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा अब मल्टीपल शिफ्ट में कराने की जो चर्चा है वो चल रही है और ये जानकारी आपको मिल ही चुकी है और जो एक पत्र भी वायरल हो रहा है तो उसके माध्यम से भी जो जानकारी है वो मिली है और कई लोग इसे फेक भी बोल रहे हैं और कई लोग सही भी बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जो सत्य बात है वो ये है कि आयोग में इसकी चर्चा चल रही है और अगर मल्टीपल शिफ्ट में दो या दो से ज़्यादा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है तो निश्चित तौर पर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन होगा तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होने से आपको नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी तक अन्य एग्ज़ाम में देखा गया है कि विद्यार्थियों के द्वारा लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा विद्यार्थी है वो इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं दिखाई दिया है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि कई विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं कि अगर मेरा एक नंबर और होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा स्कोर कम हो गया है। या फिर इसके अपोजिट भी कई विद्यार्थियों को सुना होगा कहते हुए कि नॉर्मलाइजेशन हुआ और फिर उससे मेरे चार नंबर बढ़ गए, पाँच नंबर बढ़ गए और मेरा सिलेक्शन हो गया, जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है और इससे विद्यार्थी जो है दुविधा में पड़ा रहता। आयोग को तो कोई मतलब नहीं है इससे, चाहे वो कोई सा भी आयोग हो, उसने परीक्षा कंडक्ट करा दी, एग्ज़ाम करवा दिया, नॉर्मलाइजेशन कर दिया, फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि विद्यार्थियों का इसमें जो घाटा है वो हो रहा है या फिर इसमें विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है, इससे कोई भी जो फ़र्क है वो नहीं पड़ता है। तो ये आपके लिए ही ये चीज़ है कि जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो ये सही है या गलत है, ये आपको सोचना है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर कर सकते हैं। बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो यही है और ज़्यादातर चांसेस हैं, 99.99% चांसेस हैं कि मल्टीपल शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा। यानी कि ये आपने उसमें भी देखा होगा जो एक पत्र आया है कि मॉर्निंग की जो शिफ्ट है 22 दिसंबर में उसमें एग्ज़ाम होगा, फिर इवनिंग में, फिर अगले दिन भी मॉर्निंग में और इवनिंग में। पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था सुबह जीएस का और शाम को हिंदी का, तो अब दोनों को मर्ज करके 3 घंटे का जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा, यानी कि 3 घंटे लगातार आपको बैठ के जो पेपर है वो सॉल्व करना होगा, जिसमें आपके जीएस के 140 क्वेश्चन और इसके साथ साथ जो हिंदी के 60 क्वेश्चन हैं वो होंगे और ये हो जाएगी आपकी एक शिफ्ट, इसी तरीके से दूसरी शिफ्ट और फिर अगले दिन पहली और दूसरी शिफ्ट। तो अभी इस तरह की चर्चा चल रही है, तो इसमें आपका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा ये चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों से जो मुझे लग रहा है कि विद्यार्थियों को ज़्यादातर इसमें जो नुकसान है वही होता है, क्योंकि अभी तक मुझे जो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया है और जो डकवर्थ लुईस वाला नियम है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और शायद ही जो इसको बनाने वाले लोग हैं वो भी समझ पाते हों कि पता नहीं कौन सा गणित लगाते हैं इसमें कि जो ये नियम है वो बना दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है और फिर इसमें किसी का फ़ायदा और किसी का नुकसान हो जाता है। और ये इसलिए होगा और ख़ास तौर से इस एग्ज़ाम में क्योंकि आप पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम देने गए
और जो बच्चा दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम देने गया, तो हो सकता है आप जो दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए वो आपको आते हों, और जो फर्स्ट शिफ्ट में जिसमें आप एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें वो क्वेश्चन पूछे गए जो आपने पढ़े नहीं। हालांकि बहुत सरल हों, इजी हों, इससे मतलब नहीं है, फिर भी आपने अगर पढ़े नहीं तो आपके लिए तो वो डिफ़िकल्ट ही हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, और इसकी वजह से जो मल्टीपल शिफ्ट में जो एक विद्यार्थियों के लिए घाटा का सौदा है वो हो जाता है। तो आपका क्या मानना है इसमें, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हालांकि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही हैं। अगर एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होता तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती, लेकिन जो अब बात चल रही है कि परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से करवाना है, बिना किसी उसके करवाना है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर इससे संबंधित आगे कोई भी अपडेट आती है तो निश्चित तौर पर जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू।